मध्य प्रदेश की विधानसभा में किसान कर्ज माफी को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की मांग की है, जिसके बाद विधानसभा में हंगामे की स्थिति बन गई और विपक्ष ने बहिर्गमन भी कर दिया, जिसको लेकर प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचा और जो 15 साल की नाकामियां हैं उसके ऊपर विपक्ष 150 दिनों की सरकार को घेर नहीं सकती है। इसी मुद्दे को लेकर हमारे ब्यूरो चीफ आकाश सेन ने मंत्री विजेंद्र सिंह राठौर से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री बिजेंद्र सिंह राठौर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज सदन में स्थगन प्रस्ताव की मांग विपक्ष ने की, उसके बाद बहिर्गमन भी किया नारेबाजी करते हुए, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं सर? देखिए, विपक्ष का काम, उनके पास कुछ कहने को तो है नहीं। 15 वर्ष की जो नाकामियां हैं उसके ऊपर वो 150 दिन काम करने वाली सरकार को तो घेर नहीं सकते। जब सारी व्यवस्थाएं माननीय अध्यक्ष महोदय दे रहे हैं और उसके बावजूद भी विपक्ष जो है बाहर जा रहा है, इसका मतलब ये है कि किसी बहाने अखबार में छप जाएं और आपके चैनल पे दिख जाएं, इस मकसद को वो पूरा कर रहे हैं। सर, अध्यक्ष जी ने व्यवस्था दी, आप भी कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष ने बाहर आके आरोप लगाया, हंगामा किया, नारेबाजी की कि सरकार चर्चा से भाग रही है, सर ऐसा है क्या स्थिति है? सरकार बिल्कुल चर्चा से नहीं भाग रही है। कोई भी चर्चा हो, हम लोग सदन में चर्चा कराने को तैयार हैं और माननीय अध्यक्ष जी इस संबंध में जवाब भी दे चुके थे, लेकिन अगर उसके बावजूद भी किसी को छपने का शौक है तो वो बाहर जाए और छपे अखबारों में, क्या दिक्कत है? सड़कों पर प्रदर्शन की बात भी की जा रही है सर, 15 वर्ष की नाकामियों पे या 150 दिन की अच्छाई कामों पे, काय पे प्रदर्शन करना है सड़कों में? ये तो हमारे साथ मध्य प्रदेश के वाणिज्य कर मंत्री बिजेंद्र सिंह राठौर जी, जो साफ तौर पर बता रहे थे कि विपक्ष जो है सिर्फ अनर्गल आरोप जो है सत्ता पक्ष पर लगा रहा है। चर्चा के लिए आसंदी ने जो है समय भी दिया था, व्यवस्था भी दी थी, उसके बाद भी विपक्ष ने सदन का बहिर्गमन किया और हंगामा किया, सिर्फ छपने के लिए इस तरीके का प्रयास विपक्ष द्वारा किया जा रहा है। कैमरा पर्सन नारायण के साथ आकाश सेन, IND24 भोपाल।